भाई थे? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि पेपर स्टैंड पे 3 बजे तक पेपर रहते हैं और 4 बजे का है। परसों 3:10 को देखा तो पेपर स्टैंड पे पेपर थे, 3:50 को गायब। कल भी 3:15 को देखा तो सारे पेपर थे, 3:45 को सारे पेपर गायब। यानी ये पक्का है कि पेपर 3 से 4 के बीच में गायब हो रहे हैं। अब्दुल, इसे गायब होना नहीं कहते, इसे चोरी कहते हैं। अभी दोनों कंपाउंड में चलते हैं और आज इस चोर को रंगे हाथों पकड़ते हैं। चल चल yes, चल। बिल्ली भाई, हाँ वो देखिए। कौन, किधर? पेपर स्टैंड। वो तो मुझे भी मालूम है पेपर स्टैंड वहां पे है, मुझे क्या बता रहे हो? नहीं नहीं बिल्ली भाई, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी 3:10 हुए, बराबर, पेपर अभी भी पेपर स्टैंड पर है। हाँ, मतलब अभी तक पेपर चुराया नहीं है, आता ही होगा। यस। चल। अरे उधर कहाँ जा रहा है, छुपना है, इस तरफ आ। यहाँ से दिख रहा है अब्दुल, कहीं और छुपना पड़ेगा। चल अब्दुल, अरे यहाँ से दिख रहा है, इस तरफ। सखरा में ना अपना किस दिन काम आएगा। आजा। हाँ, ये एंगल सही है, अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। तुम ये क्यों घर से लेके आए? बड़े मैं वो गलती से मैं भूल गया। देख इकड़े, मैं भी रखने जाऊंगा, वो आ गया तो आओ दे। चलो चलो फ्रेंड्स, गार्डन चलते हैं। चलो चलो चलो। ये फ्रेंड, वो देखो, भीड़े अंकल और अब्दुल भाई, ये लोग यहाँ पर क्यों छुपे? शायद बड़े लोग छुपा छुपी खेल रहे हैं। चलो हम भी जाकर खेलते हैं। चलो। नहीं गोगी, हम शो वो छुपा छुपी नहीं खेल रहे, शायद वो किसी के ऊपर नजर रख रहे हैं। चलो चलकर पूछते हैं, कहीं हम पर तो नजर नहीं रख रहे। नहीं, पर एक मिनट, हम लोग ने कुछ किया ही नहीं तो हम पे वॉच क्यों रखेंगे? जरूर कोई दूसरी बात है। फ्रेंड्स, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर छुपकर उन पर वॉच रखते हैं ताकि हमें पता चले कि वो लोग किस पर वॉच रख रहे हैं। हाँ, ये अच्छी गेम है, वॉचमैन वॉचमैन खेलते हैं। चलो चलो फ्रेंड्स, छुपते हैं। चलो चलो चलो। ये हाथ में रकम ही लेके ऐसे क्यों बैठा है? अरे क्या तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? चाचा जी गड़बड़ कर देंगे। मैं समझाता हूँ। हाँ। अरे अरे इधर इधर। उन्होंने दादाजी को क्यों पकड़ा? लगता है दादाजी आउट हो गए। सॉरी सॉरी। आई आई बेटी बेटी। अरे क्या बैठी है, क्या हुआ बोल? चाचा जी, रोज दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच में हमारे पेपर स्टैंड में से कोई पेपर चुराता है। हाँ, हम लोग उसको रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं, इसलिए छुपकर बैठे हैं। नहीं नहीं बराबर है, उसको पकड़ लेना चाहिए। हाँ, आप भी छुप जाइए। यहाँ से दिख जाएंगे। नहीं नहीं चाचा जी, यहाँ पे दिख जाएंगे हम लोग। चाचा जी वहां से आप दिख सकते हैं। अरे काय से कूटे घुसता है तू? हाँ मिल गया ना। फाइनल। दादाजी वहां क्यों छुपे हैं? अभी पता चल जाएगा। दादाजी भी वॉचमैन वॉचमैन खेल रहे। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। अभी तक नहीं आया। बेशिस्त है, बेशिस्त। इस देश में वक्त की किसी को कदर ही नहीं है। ट्रैफिक में अटक गया होगा। ट्रैफिक? पकड़ते।
ये तो वापस रख रहा है पेपर। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? क्या पता यार। ये तो रद्दी वाला आमिर चंद है ना। अब्दुल कहीं अपना धंधा बढ़ाने के चक्कर में ये तो चोरी नहीं करता। वो देख उस तरफ देख रहा है, वो देख। नहीं नहीं भाई, वो ऐसा नहीं कर सकते, ईमानदार आदमी है। हाँ। नमस्ते सेक्रेटरी साहब। नमस्ते। सेक्रेटरी साहब कुछ प्रॉब्लम? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे क्यों बैठे हो? वो स्कूटर को जरा देख रहे थे, कुछ स्कूटर में प्रॉब्लम है ना, वो जरा चेक कर रहे थे। ओ अच्छा अच्छा, कोई रद्दी वगैरह है आपके पास? तुम जाके आओ ना, मैं बाद में बोलता हूँ। देखे ना रद्दी वगैरह कुछ हो तो। अरे मैंने बोला ना मैं बाद में बोलता हूँ, जा ही नहीं रहे। आमिर चंदपुरा। हाँ आया आया आया। वाह भला उस आदमी का। पूरी टप्पू सेना भी चोर को पकड़ने छुपी हुई है। अरे वाह, अब तो चोर बचकर जा ही नहीं सकता। पोपट भाई इतने दिनों से पेपर गायब कर रहे थे। पेपर वाले पोपट चोर? पोपट वाले पेपर चोर? ये तो घर जा रहा है। चोर चोर चोर, रुक रुक चोर, रुक चोर! अरे कौन दौड़? चोर चोर चोर। अरे बाप, हाय हाय, हमारी सोसाइटी में चोर? चोर 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 चोर। कहाँ है चोर पोपटलाल भाई? चोर कहाँ है? कहाँ है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। अरे पर अभी आप चिल्ला रहे थे चोर चोर, कहाँ है चोर? हाँ, हाँ। वो तो ये भिड़े और अब्दुल चिल्ला रहे थे, इसलिए मैं चिल्ला रहा था। क्या बे भिड़े, कहाँ है चोर? इधर है भिड़े मास्टर। चोर? चोर मेरी आंखों के सामने है। कहाँ? कहाँ है? तुम पोपटलाल, तुम चोर हो क्या? पोपटलाल भाई, पोपट भाई पर चोरी का इल्जाम? आज तो सोसाइटी में जरूर हंगामा होगा। भिड़े? मैं? बे ऐसा मजाक अच्छा नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, मैं सीरियस हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई सोसाइटी की प्रॉपर्टी चोरी करते हुए? पोपट तू पोपट पोपट तू भिड़े, तुमने मुझे चोर का पत्रकार पोपटलाल को, और वो भी पूरी सोसाइटी के सामने, तुम्हें शर्म नहीं आती? पोपटलाल भाई शांति शांति। नहीं कोमल भाभी, अब सोसाइटी में शांति नहीं अशांति होगी, क्रांति होगी। अरे भाई भिड़े ने मुझे एक कुंवारे को चोर कहा। इसमें कुंवारे कहां से बीच में आ गया? कोमल भाभी
अगर हाथी भाई को कोई चोर कहे तो आप शांत रहेंगी? नहीं, हम उनके घर का भी सारा खाना खा जाएंगे। गोली और बुड़बक तुमने क्या कहा? हंस, बच्चों तुम लोग जरा गार्डन में जाकर खेलो ना। आंटी प्लीज खड़े रहने दो ना, प्लीज। होगी बच्चों, जिद नहीं करते, ये बड़ों की बात है, तुम लोग जाओ जाओ गार्डन में जाके खेलो, जाओ। जी दादाजी। चलो फ्रेंड्स। वो बेबी अब बोलिए, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपट लाल को आपने चोर क्यों कहा? पोपट भाई, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, मैं शांत नहीं रह सकता। भिड़े ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। मैं इतनी लड़की देखने गया, किसी लड़की के घर वाले ने तक मेरा इतना बड़ा अपमान नहीं किया। आज भिड़े को बताना ही पड़ेगा कि इसने मुझे चोर क्यों कहा। हाँ भिड़े भाई, बताइए ना आखिर हुआ क्या है। बता दो अंजलि भाभी, पिछले कई दिनों से दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच में हमारे इस पेपर स्टैंड में से न्यूज़पेपर गायब हो रहे थे। तो आज मैं, चाचा जी और अब्दुल यहाँ पर छुप कर बैठे थे ये देखने के लिए कि आखिर पेपर चोरी कौन कर रहा है। तो आज पता चला कि चोर और कोई नहीं, अपनी सोसाइटी के माननीय सदस्य कमिटी मेंबर खुद पत्रकार पोपट लाल है। पेपर चोरी? अबे जवानों ने भिड़े भाई। रे? पोपट भाई ने रद्दी तो ली है, चोरी कहाँ की है? नहीं दया भाभी, चोरी रद्दी की हो या धन दौलत की, चोरी का इल्जाम चोरी का इल्जाम होता है। सुना आपने चाचा जी क्या बोला इसने? सुना आपने, ये खुद बोल रहा है कि रद्दी हो या धन दौलत, चोरी आखिर चोरी होती है। भिड़े तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो, शिक्षक के नाम पे तुम धब्बा हो, धब्बा। पोपट लाल अपनी जबान को लगाम दे और तुम अपने इल्जाम वापस लो। अरे अरे सुनो मेरी बात सुनो। अरे भाई पोपट, अरे भिंडी मास्टर को तो सिर्फ ये पता लगाना था कि ये पेपर कौन लेके जाता है। हाँ तो चाचा जी, पहले सिर्फ पता करना चाहिए था ना कि अखबार कौन ले जाता है और क्यों ले जाता है। या तो बिना सोचे समझे सीधा चोरी का इल्जाम लगा दिया। क्यों? पोपट भाई शांति रखिए। अरे जाने दो ना पोपट लाल, भिड़े मास्टर को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। नहीं नहीं हाथी भाई, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। देखो देखो, और सिर्फ मैंने नहीं, चाचा जी ने और अब्दुल ने भी देखा है पोपट लाल को। क्यों चाचा जी? हाँ वो मैंने भी देखा, पोपट ने पेपर लिया। नहीं नहीं लिया नहीं, चोरी किया। अरे क्या चोरी चोरी लगा रखा है, दोपहर के बाद अखबार पढ़ता कौन है? भाई सोसाइटी का मेंबर और माननीय कमेटी मेंबर होने के नाते मेरा भी हक है इस अखबार पर। शांत पोपट भाई शांत। हाँ है ना, हक है, लेकिन वो हक यहाँ पर खड़े रह के पेपर पढ़ने तक ही सीमित है। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम पेपर घर पे लेके जाओ। सही बात है, सही बात है। एक बात बताओ भिड़े, आज तक जो अखबार पुराना हो जाता था उसे कौन घर ले जाता था? मैं, मेरा काम है ये। That's all my lord. सुन लिया चाचा जी? खुद अखबार घर ले जाते हो तो वो काम है, और मैं ले जाता हूँ तो चोरी है। खुद रद्दी के पैसे खाते हो और इल्जाम मुझ पर लगाते हो। क्या हमारा गोपाल धाम पूर्व क्षेत्र बन रहा है? अब तुझे किस सालू लगे? क्या बोला तुमने? मैं रद्दी के पैसे खाता हूँ? मतलब तुम ये कहना चाहते हो पोपटलाल की सोसाइटी के रद्दी के पैसे मैं अपने काम के लिए वापरता हूँ, अपने घर के लिए वापरता हूँ? हाँ। अरे आप दोनों में से कोई तो शांत हो जाइए। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। अरे भाई देखो, इस तरह से झगड़ना ठीक नहीं है। छोड़ो ना बड़े मास्टर, पोपटलाल की बात को दिल पे मत लो, उसने गुस्से में कह दिया, खत्म करो बात को। अरे क्या गुस्से में बोल दिया हाथी भाई, क्या गुस्से में बोल दिया? अरे पोपटलाल ने तो आज हद कर दिया, हद। हाथी भाई मेरे जीवन में 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं की है, और ये पोपटलाल मुझ पे सोसाइटी के रद्दी के पैसे खा जाने का इल्जाम लगा रहा है। पोपटलाल सोसाइटी के रद्दी का 1-1 पैसे का हिसाब है मेरे पास, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सोसाइटी के रद्दी के पैसे सोसाइटी फंड में ही जमा होते हैं। हाँ भेड़े भाई की ईमानदारी की कसम, हम सब खा सकते हैं। सही बात सुना सेक्रेटरी साहब, आपने कहा था ना थोड़े टाइम बाद रद्दी दोगे, कहाँ है रद्दी? हाँ मिलेगी ना तुम्हें रद्दी, इस पोपटलाल के पास मिलेगी, बहुत सारी रद्दी मिलेगी। जाओ जाओ इसके पास जाओ। चलिए पोपट भाई, आज रद्दी का 1 रुपए भाव भी बढ़ा है।
भाई साहब आप जाइए, जैसी आपकी मर्जी। अरे क्यों जाने दिया, अरे भाव बढ़ गया ऐसे तुम्हारी। चलिए पोपट भाई, आज रद्दी का एक रुपए भाव भी बढ़ा है। भाई साहब आप जाइए, जैसी आपकी मर्जी। अरे क्यों जाने दिया, अरे भाव बढ़ गया ऐसे तुम्हारी। अरे ऐश तो तुम कर रहे हो इतने सालों से, आज तक कभी भी सोसाइटी के रद्दी का हिसाब हमने तुमसे मांगा या चेक किया? भाई साहब, अरे तो मांगना चाहिए ना हिसाब, किसने बोला नहीं मांगने को, मांगना चाहिए हिसाब। मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है, एक तो चोरी ऊपर से सीधा चोरी। तुमने मुझे फिर से चोर कहा? कहूंगा, 10 बार कहूंगा, क्योंकि तुमने मेरे चरित्र पे, मेरी ईमानदारी पे इल्जाम लगाया है। अच्छा, और तुमने मुझ पर जो चोरी का इल्जाम लगाया उससे मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी? खबरदार भिड़े, अगर अभी तुमने मुझे चोर कहा तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। और खबरदार जो तुमने मुझे बेईमान कहा तो पोपटलाल से लाल पोपट बना दूंगा। देखिए देखिए सुनिए सुनिए, लाल पोपट बोल रहा है मुझे भिड़े। अरे चुप चुप, शांत हो जाओ दोनों। और खबरदार, एक दूसरे के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोला है तो। अब मेरी बात ध्यान से सुन डिब्बे, एक सेक्रेटरी होने के नाते इन सब चीजों पे ध्यान रखना भिंडी मास्टर का फर्ज है, और अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उस पे बोलने का भी भिंडी मास्टर को पूरा हक है। और तू तू पत्रकार है ना, तो पत्रकार होकर तू ऐसे पेपर चुराता, मतलब ऐसे पेपर उठाता है, तो ये तेरी गलती है। और भाई भिंडी मास्टर, तेरी भी गलती, तेरा तरीका गलत। तू इस पोपट को शांति से समझदारी से पूछ नहीं सकता था कि बोल भाई पोपट, तुझे क्या जरूरत पड़ गई पेपर उठाने की? लेकिन नहीं, दोनों ने ऐसा झगड़ा करना शुरू कर दिया जैसे कोई गली के गुंडे हो। सुबह देता है तुम दोनों को ये है? एक शिक्षक एक पत्रकार, अच्छा लगता है ऐसा? हाँ चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बराबर। सॉरी चाचा जी, मुझे ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था, वो भिड़े ने मुझे चोर कहा तो मुझे एकदम गुस्सा आ गया था। सॉरी चाचा जी, मुझे भी ऐसे बिना कारण जाने पोपटलाल को चोर नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इसने मेरे चरित्र पे इल्जाम लगाया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। सॉरी सॉरी। मेरी माँ हमेशा कहती है, हर परिस्थिति में गुस्से पर काबू रखना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और समझदारी होती है। सही बात है, गुस्से पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। चलिए अब आप एक दूसरे को सॉरी बोलिए आप दोनों। हाँ। अरे बोलो। सॉरी पोपटलाल। सॉरी भिड़े। अरे सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, चलो दोनों आपस में गले मिलो। चलो वेरी गुड। अरे देखो फ्रेंड्स, बाबा और पोपट अंकल की वापस बट्टी हो गई। हाँ बेटा, हाँ इसी खुशी के मौके पर पार्टी होनी चाहिए, चॉकलेट पार्टी। चॉकलेट किधर है? ये लीजिए, मुंह मिट्टा कीजिए। चलो हंस, सब शांत हो गया, तूफान थम गया। हाँ हाँ दया भाभी, अंत भला तो सब भला। मम्मी हमारे गोकुलम सोसाइटी की यही तो खासियत है, अगर हमारे बीच कोई मन मुटाव होता है तो वही थोड़ी देर में शांत भी हो जाता है। तो ईस्ट हो या वेस्ट, गोकुलम इज द बेस्ट। अरे भाई पोपट, जिस वजह से इतनी बड़ी महाभारत हुई उसका कारण तो बता, इतने सारे पेपर घर पे क्यों लेके जा रहा था? क्या चाचा जी, पूरी सोसाइटी में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले एक हफ्ते से मैं अलग अलग अखबारों में अपनी शादी का इश्तिहार दे रहा हूँ, और वो भी कलर फोटोग्राफ के साथ। और कौन से अखबार में इश्तिहार कब छपा है इसका रिकॉर्ड रखने के लिए मैं ये सारे अखबार ले जाता था। एक मिनट, ये देखिए ये देखिए। हाँ,
अरे वाह, बड़े अच्छे दिख रहे हो पोपटलाल। अरे वाह, समझा भाई भिंडी मास्टर, ये डिब्बा रोज पेपर घर पे क्यों लेके जाता था। और ये भिड़े ने पूरी बात जाने बिना, मेरी भावनाओं को समझे बिना सीधा मुझे चोर कह दिया। सॉरी, गलती मेरी है। मैंने ही भिड़े भाई को बताया कि कुछ दिनों से पेपर स्टैंड पे से पेपर चोरी हो रहे हैं। लो बोलो पोपटलाल, वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारी भावनाओं की कदर है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। पोपटलाल भाई, आपके एड को सुपर डुपर हिट रिस्पांस मिलेगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब चलो चलो कोमल, बात में कुछ वजन नहीं था और इतना बड़ा हंगामा हो गया। ए, भीड़े भी ना। और ये चॉकलेट खा के ना मुझे भूख लग रही है, कुछ खाएंगे चलो। हाँ हाँ चलते हैं, मुझे भी घर में बहुत सारे काम है। हाँ, और पोपट भाई आप हमारे घर पर चलिए, अभी गर्मी बहुत है ना, मस्त ठंडा नींबू शरबत पीजिए, मजा आ जाएगा। हाँ, आप सब भी चलिए ना। नहीं नहीं दया भाभी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन अभी मैंने और अब्दुल ने सोनू के हाथ की बढ़िया चाय पी है। कोई बात नहीं दया भाभी, इनके हिस्से का नींबू शरबत मैं पी लूंगा। अरे भाई पोपट, तू नींबू शरबत से ना लेना बस। चलो मिलते हैं, चलो 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 बाय बाय। क्यों भाई पोपट, ये नींबू शरबत पी के अभी दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं? हाँ और ना भी। हाँ और ना भी, मतलब आप अभी भी गुस्से में हो? नहीं नहीं दया भाभी, कंपाउंड का गुस्सा तो चाचा जी की शेर जैसी दहाड़ सुनकर ही गायब हो गया था। गुस्सा मुझे अपनी किस्मत पर आ रहा है, इतने दिनों से अखबारों में ऐड दे रहा हूँ फिर भी अभी तक कोई रिश्ता क्यों नहीं आया। अरे भाई हर चीज अपने सही वक्त पर ही होती है, हमारे गुस्सा करने या ना करने से नहीं होती। तो चाचा जी कब आएगा वो सही वक्त? अब 2015 में मेरी शादी हो जानी चाहिए। पर भाई मेरा मन यही कहता है कि 2015 में मेरी भाभी जरूर आएगी। भाभी? दया भाभी यह मेरी शादी की बात चल रही है, आप अपनी भाभी की बात क्यों कर रही है बीच में? अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी भाभी मतलब मेरी पत्नी ऐसे? नहीं नहीं, फिर तो आपका मन सही कह रहा है। चाचा जी आपका मन क्या कह रहा है? अरे भाई मेरा मन भी यही कहता है कि तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी, लेकिन डिब्बे शादी ऐसे ही नहीं होती। अच्छा मान ले कि अगर अचानक ही तेरे लिए कोई रिश्ता आ जाए और अचानक ही तेरी शादी तय हो जाए तो तू तैयार है ना? तैयारी का मतलब समझ रहा है ना तू? अरे चाचा जी मैं तो सालों से तैयार हूँ, इसीलिए तो अलग अलग अखबारों में ऐड दे रहा हूँ। अरे नहीं नहीं पोपट भाई आप समझे नहीं, बापूजी का कहने का मतलब ये है कि अभी ताबड़तोड़ आपकी शादी तय हो जाती है तो आपने पैसों की सारी व्यवस्था करके रखी है ना? अरे हाँ हाँ दया भाभी, चाचा जी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने अब तक जीवन में शादी की तैयारी के अलावा और किया ही क्या है। पूरे 15 लाख रुपए जमा करके रखे है, और पता है मेरी होने वाली पत्नी के लिए बहुत सारे गहने भी लेकर रखे है। और मैंने सुना है कि सोने का भाव 25,000 होने वाला है, तो उसके लिए यानी कि मेरी होने वाली पत्नी के लिए और गहने लेने की तैयारी भी कर रखी है। अरे वाह पोपट भाई, अब तो छुपी रुस्तम निकले। बापूजी सुना पोपट भाई ने शादी की सारी तैयारी कर ली है। बस अब कोई अच्छी सी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। अरे भाई थोड़ी धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। अरे तू इतने दिनों से अखबारों में शादी की खबर छपवा रहा है तो कोई ना कोई लड़की वाले तो उसे पढ़ेंगे ही। कर भला तो हो भला। अरे वाह, शादी के लिए लड़के का इश्तिहार। लड़का अच्छा लग रहा है। मिंटी, ओ मिंटी कहाँ हो? हाँ जी बाबा बोलिए। मिंटी ये देखो, तुम्हारे योग्य एक लड़के का शादी का इश्तिहार आया है। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, इंटरनेशनल अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार श्री पोपटलाल के लिए सुंदर सुशील कन्या चाहिए। कन्या जिंदगी भर सुखी रहेगी, उसकी 100% गारंटी। पति जिंदगी भर पत्नी व्रता रहेगा, उसकी भी 100% गारंटी। कोई भी विवाह योग्य आदर्श लड़की तुरंत संपर्क करे। फोटो भी दी है ये देखो।
हमें जैसा लड़का चाहिए था बिल्कुल वैसा लग रहा है, एकदम भोला भाला सीधा साधा। शादी करेगी ना मिंटी? आप जो फैसला करें। मिंटी फोटो में तो लड़का अच्छा लग रहा है, पर ऐसे अखबार में ऐड देके तो रिश्ता पक्का नहीं होता ना, इसलिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि लड़का रिश्ते के लायक है या नहीं है। अरे अब्दुल, ये अब्दुल कहाँ चला गया? जब भी काम होता है ना तो कभी नहीं मिलता। अरे अब्दुल, तू दुकान में ही है? हाँ, मैं तो कब से दुकान पे हूँ। तो मुझे क्यों नहीं दिखा? वो मैं सामान जमा रहा था। अच्छा 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 अब्दुल, तुझे पता है ना कि मैंने बहुत सारे अलग अलग अखबारों में शादी के लिए इश्तिहार दिया है। पता है पता है। बहुत सारे लड़की वाले इश्तिहार पढ़कर मुझसे रिश्ते की बात करने आ सकते हैं। ऐसे क्या देख रहा है, आएंगे ना? हाँ हाँ जरूर। अरे पुपर भाई आएंगे, जरूर आएंगे। आपने इश्तिहार इतना अच्छा दिया है, मस्त। थैंक यू, मुझे तुझसे काम है। समझ गया पुपर भाई, समझ गया। आपके लिए इतने रिश्ते आएंगे कि आप टेंशन में है कि कौन सा रिश्ता पसंद करूं, इसीलिए आप मेरी सलाह लेने के लिए आए। अरे नहीं नहीं, रिश्ते की बात तय होगी तो सबसे पहले मैं दया भाभी की सलाह लूंगा। लेकिन अभी तू मेरी बात सुन, तू गेट पर नजर रखना, और जैसे ही कोई लड़की वाले मुझसे रिश्ते की बात करने आए तो पूरे सम्मान के साथ उन्हें मेरे घर तक ले आना। हो सकता है वो भविष्य में मेरे ससुराल वाले बने। डोंट वरी बोबर भाई, आपके ससुराल वाले मेरे ससुराल वाले। क्या? मेरा मतलब है कि आपके गेस्ट मेरे गेस्ट, आपके गेस्ट को सम्मान के साथ मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। हाँ। अच्छा सुन अब्दुल, इस फोन में ना 10 रुपए, एक काम करा 50 रुपए का रिचार्ज कर। सॉरी पोपट भाई, रिचार्ज का स्टॉक खत्म हो गया है, मैंने फोन कर दिया है, शाम तक आ जाएगा। ओहो, लेकिन ये तो अर्जेंट है। मैं काम करता हूँ, बाहर जाके रिचार्ज करवा के आता हूँ। क्या है ना, इस वक्त इश्तिहार पढ़कर मेरी फोटो देखकर कोई ना कोई लड़की वाले यहाँ आने की तैयारी कर रहे होंगे। पोपट भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बस अभी आता हूँ। आइए आइए। गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ यही है। सोसाइटी तो बढ़िया है, हमारी उम्मीद, हमारी बेटी का भविष्य, सब कुछ ठीक रहा तो बात आगे बढ़ाएंगे। अब भगवान करे पोपट लाल जी हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे। कहीं ये पोपट भाई के लिए रिश्ता तो नहीं लेकर आए? एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है आपको? आप? मैं ऑल इन वन जनरल स्टोर का एकलौता मालिक अब्दुल। अच्छा अच्छा अब्दुल जी, मैं यहाँ पोपट लाल जी के लिए आया हूँ। आपके हाथ में पेपर देखकर ही समझ गया कि आप इश्तिहार पढ़कर यहाँ पर आए हैं। सही पहचाना आपने, मुझे पता था आप आओगे। पोपट भाई ने कहा था इश्तिहार पढ़कर कोई लड़के वाले आएंगे तो उनको सम्मान के साथ मेरे घर पर लेकर आना। चलिए मैं आपको पोपट भाई का घर दिखाता हूँ, आइए। नहीं नहीं नहीं, अभी पोपट लाल के घर नहीं जाना है। अरे कमाल है, आप पोपट भाई के इश्तिहार पढ़कर आए और आप पोपट भाई से नहीं मिलना चाहते? मिलना है लेकिन बाद में। वो क्या है, उनसे मिलने से पहले मैं आस पड़ोस वालों से उनके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या है ना अब्दुल भाई, बेटी का बाप हूँ, फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। सिर्फ अखबार में इश्तिहार पढ़ के रिश्ता पक्का नहीं कर सकते ना, बहुत कुछ पता लगाना पड़ता है कि लड़का रिश्ते के लायक है या नहीं है। कर भला तो हो भला। अब्दुल भाई, आप भी पोपट लाल जी का भला चाहते हो तो अभी ये बात किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आया हूँ। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। अच्छा अब्दुल भाई, आप हमारी एक मदद कर सकते हैं? जी जी कहिए। आप हमें पोपट लाल जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, पोपट लाल एक पत्रकार है, छाता उसका साथी है, बार बार कहते रहते हैं कैंसल कैंसल, दुनिया को हिला दूंगा। क्या? ओ, 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 ये तो नहीं बताना चाहिए था, वरना पोपट भाई मेरी दुनिया हिला देंगे। नहीं नहीं नहीं, पोपट भाई बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू। अच्छा पोपट लाल जी के बारे में और जानना हो तो मैं सोसाइटी में किससे मिल सकता हूँ? ओहो, किसका नाम लो, कहीं मेरी तरह किसी की जबान फिसल गई तो पोपट भाई का रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। हाँ, आप चंपक चाचा से मिलिए, दया भाभी से मिलिए। पोपट भाई दया भाभी को अपनी बहन मानते हैं। अच्छा, ये दया बहन रहती कहाँ है? हाँ यही गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है। चलिए मैं आपको दया भाभी के घर ले चलता हूँ। अच्छा अब्दुल भाई, ये कार यही रहने तू चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा, कोई टेंशन नहीं है।
आइए आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। आइए 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 आइए। यह है गोकुलम सोसाइटी। हाँ हाँ, पोपट भाई यहाँ पर रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे। सोसाइटी में सब नेक इंसान रहते हैं। अपने पोपट भाई भी बहुत नेक इंसान है। हाँ, वो जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना, हाँ वो जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पर दया भाभी। अच्छा है ना, तो भाई चलो। ठीक है अब्दुल बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, कर भला हो भला। खुदा हाफिज। खुदा। यस। बहुत अच्छा किया अंबिका। नमस्ते। नमस्ते दया बहन। हाँ नमस्ते, मैं ही हूँ दया बहन। दया बहन, मेरा नाम विश्वजीत नायक है, मैं आप लोगों से ही मिलने आया। अच्छा अच्छा, बैठिए ना विश्वजीत काका, बैठिए। थैंक यू मम्मी। हाँ मेरे काका है। नहीं नहीं दिक्का, तुम्हारी नानी है ना, वो मुझे हमेशा कहती है कि जो वडिल होते हैं ना, उनको काका के संबोधन से बुलाते हैं ना तो अच्छा लगता है। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। जी कहिए। जी दरअसल मैं अपनी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में आप लोगों से बात करने आया। पर शादी के लिए हमारा टप्पू तो अभी छोटा है। हाँ, हमें हमारे टप्पू का बाल विवाह नहीं करा। अरे नहीं नहीं दया बहन, भाई साहब चंपकलाल टप्पू का दादा। हाँ चंपक भाई, गलतफहमी हो रही है। मैं दरअसल टप्पू के बारे में नहीं, आपकी सोसाइटी में रहते सज्जन पत्रकार पोपटलाल जी के बारे में बात करने आया हूँ। अरे वाह, आज तो पूरी सोसाइटी में मिठाई बांटनी चाहिए। हाँ, अभी पोपट भाई थोड़ी देर पहले ही हमारे घर पर थे। टप्पू जाने दीका, पोपट भाई को बुला कर। हाँ मम्मी, अभी अभी नहीं, पोपटलाल जी को अभी नहीं बुलाना। दरअसल उनसे मिलने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ। देखिए पोपट भाई जैसा लड़का आप दिया लेकर ढूंढने जाएंगे ना तो भी आपको नहीं मिलेगा। मैंने अखबार में इश्तिहार देखा था, उनकी फोटो भी देखी थी, मुझे लड़का ठीक लगा इसीलिए मैं यहाँ आया। पर क्या है ना दया बहन, चंपक भाई, जमाना बहुत खराब है, थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। पहले लड़के के बारे में आस पड़ोस से थोड़ी जानकारी ले लें, फिर रिश्ते के लायक बात आगे बढ़े तब लड़के से मुलाकात करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ बराबर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लड़की जिंदगी भर सुखी रहे ऐसा लड़का और ऐसा ससुराल ढूंढना चाहिए। हाँ और लड़के के बारे में तो सब कुछ पता करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक लड़के के बारे में पूरी जानकारी ना मिल जाए और बात रिश्ते लायक ना हो जाए तब तक ये बात सबसे गोपनीय रहे तो ही अच्छा है। जब तक रिश्ता तय ना हो उससे पहले ही रिश्ता हो रहा है ऐसी बातें हर तरफ होने लगती हैं, और फिर मान लो किसी कारणवश रिश्ता ना हो तो फिर लोग बहुत सी बातें करते हैं। हाँ बराबर, आपने सच कहा। बराबर, सबको पता चलने के बाद अगर रिश्ता ना हो तो काफी बदनामी होती है, लोग लड़का और लड़की के बारे में उल्टी सीधी बात फैलाने लगते हैं कि लड़का और लड़की में जरूर कोई खामी। हाँ मेरे दादाजी कहते हैं कि किसी की तारीफ अनजान से भी करो लेकिन किसी की बुराई अपनों के सामने भी मत करो। वाह, कर भला तो हो भला, बड़े अच्छे संस्कार दिए आपने अपने पोते को। बस अब हमें यही उम्मीद है कि हमारा दामाद भी ऐसे ही संस्कारी निकले। विश्वजीत जी, सिर्फ मेरा पोता टप्पू ही नहीं, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोग बहुत संस्कारी। और पोपट भाई भी एकदम भले और अच्छे इंसान है। हाँ, हमारे टप्पू सेना के तो फेवरेट अंकल है। सच कहूँ ना तो आपको पोपट भाई के लिए कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप आँख बंद करके अपनी बेटी का रिश्ता पोपट भाई के साथ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। अच्छा तो सुनिए, पोपट भाई मन मौजी है और अपनी मस्ती में रहते हैं, उनको कभी कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, आते ही मैं आपको बता दूंगा। हाँ, सब अखबारों में आ गया। थैंक यू थैंक यू। पोपट भाई यहीं आ रहे? नहीं बस उसी की राह देख रहा हूँ। लड़की के पिताजी ने तो कहा था कि पोपट भाई को कुछ नहीं बताना। फोन की रिंग कभी भी बच सकती है। पोपट भाई आते ही पूछेंगे कि कोई लड़की वाले आए थे, मैं क्या जवाब दूंगा, न सच बोल सकता हूँ न झूठ बोल सकता हूँ। अब्दुल भाई छुप जा, अब्दुल भाई छुप जा। अरे अब्दुल, अब्दुल फिर गायब, दुकान की पड़ी ही नहीं,
पता नहीं कहाँ चला जाता है। क्या करूं? दया भाभी के घर जाकर चाचा जी के साथ बैठकर फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय पीता। अच्छा आप पोपटलाल जी के बारे में कुछ और बता सकते हैं, उनके रिश्तेदारों या घर परिवार के बारे में? जी पोपटलाल यहाँ मुंबई में अकेला रहते, उसके कुछ रिश्तेदार हैं मगर वो भोपाल में। अच्छा यहाँ अकेले रहते हैं? पर हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पोपट भाई का परिवार ही है। हाँ हमारे गोकुलधाम वाले सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी है, सब एक दूसरे का अपने परिवार के जैसा ही ख्याल रखते हैं। वाह कर भला तो हो भला। लेकिन मुझे आपसे एक विनती करनी है, मैं पोपट जी के बारे में यहाँ जानकारी लेने आया हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, पोपट लाल जी को भी नहीं। क्यों? वो क्या है, मैं उनके पीछे से उनके बारे में जानकारी ले रहा हूँ, ये बात उन्हें कभी पता चलेगी तो उन्हें बुरा लग सकता है। और एक बार मैं अपनी बेटी से तो बात कर लूं। जलसा करेगी जलसा। और आपकी बेटी ने दूसरे लड़कियों से थोड़े ज्यादा व्रत किए होंगे तभी उनका रिश्ता पोपट भाई के साथ होने जा रहा है। वाह अच्छा आप पोपट लाल जी के बारे में कुछ और बता सकते हैं, उनके रिश्तेदारों या घर परिवार के बारे में? जी पोपट लाल यहाँ मुंबई में अकेला रहते, उसके कुछ रिश्तेदार हैं मगर वो भोपाल में रहते। अच्छा यहाँ अकेले रहते हैं? पर हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पोपट भाई का परिवार ही है। हाँ हमारे गोकुलधाम वाले सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी है, सब एक दूसरे का अपने परिवार के जैसा ही ख्याल रखते हैं। वाह कर भला तो हो भला। अच्छा ये पोपट लाल जी किराए के मकान में रहते हैं? नहीं नहीं ये गोकुलधाम सोसाइटी में पोपट भाई का खुद का घर है। हाँ अच्छी नौकरी भी है, एक जागरूक पत्रकार। हाँ तूफान एक्सप्रेस में। और आपको पता है पोपट भाई ने अपनी होने वाली पत्नी के लिए बहुत सारे गहने बना कर रखे हैं और 15 लाख से भी ज्यादा रुपए की बचत करके रखी है। सच कह रही हूँ आपकी बेटी पोपट भाई के घर पर राज करेगी, राज। वाह कितनी अच्छी बात है, पोपट लाल जी आगे के बारे में भी सोचते हैं। अच्छा विश्वजीत जी अपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ हाँ मेरा छोटा सा परिवार है, एक बेटा है उसका नाम राजा है, एक बेटी है जिसका नाम सपना है, प्यार से हम उसे मिंटी बुलाते हैं। अब राजा है तो बड़ा लेकिन कहता है जब तक बहन की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा, बहुत प्यार करता है अपनी बहन से, और मेरी बेटी मेरी हर बात मानती है। वाह 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 विश्वजीत जी आपने भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। जी शुक्रिया। अब मेरे माँ बाप तो मेरे साथ नहीं है लेकिन उनके संस्कार हमेशा मेरे साथ रहते हैं, कर भला हो भला। अच्छा विश्वजीत जी आप क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पोपट भाई की बातों में मैं आपको ये पूछने ही भूल गई, आप क्या लेंगे? नहीं 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 दया बहन कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं आप पहली बार हमारे घर पर आए हैं, आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं 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 आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए, लेकिन मुझे आपसे एक विनती करनी है, मैं पोपट जी के बारे में यहाँ जानकारी लेने आया हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, पोपट लाल जी को भी नहीं। क्यों? वो क्या है, मैं उनके पीछे से उनके बारे में जानकारी ले रहा हूँ, ये बात उन्हें कभी पता चलेगी तो उन्हें बुरा लग सकता है, और एक बार मैं अपनी बेटी से तो बात कर लूं। देखिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये बात हमारे बीच में रहे तो बहुत अच्छा है। अरे अरे आप हाथ मत जोड़िए, ठीक है हम पोपट लाल को नहीं बताएंगे। आप हम पर भरोसा रखिए, पोपट भाई को ये बात नहीं बताएंगे। कौन सी बात दया भाभी? पोपट भाई नमस्ते चाचा जी। हाय पोपट अंकल। हेलो, ओ मेहमान आए घर पर, नमस्ते। पोपट भाई आप बैठिए ना, बैठिए मैं आपके लिए चाय बनाकर आती हूँ। दया भाभी चाय पीने ही आया हूँ। हाँ। लेकिन अभी आते आते मैंने सुना आप कह रही थी कि हम पोपट भाई को नहीं बताएंगे, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बताएंगे?
कहीं भिड़न ने अखबार की बात को लेकर फिर से बखेड़ा तो नहीं खड़ा किया? अरे नहीं नहीं पोपट, वो बात तो वही खत्म हो गई थी ना। अच्छा तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बताने वाली है? नहीं नहीं पोपट भाई, ऐसी कोई खास बात नहीं है। फिर भी बताइए ना दया भाभी। हाँ वो साड़ी का सेल लगा है ना। हाँ तो ये बात मुझे आपको नहीं बतानी थी, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। एक मिनट, उसमें नहीं बताने लायक क्या है दया भाभी? नहीं 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 दया भाभी, बात वो नहीं है, बात जरूर कुछ और है। बताए बताए क्या बात है? ठीक है बताती हूँ। सुनिए वो मेरी मासी का लड़का है ना योगेश, वो 32 साल का है और अभी 2 दिन पहले ही उसकी शादी हो गई। हाँ ये बात तुझे नहीं बतानी थी। क्यों? ये बात सुनकर तुझे दुख होता ना? नहीं मुझे क्यों दुख होता, मैं तो उल्टा खुश होता कि भाई मेरा एक कॉम्पिटिटर कम हुआ प्रतिस्पर्धी। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं एक मिनट दया भाभी, आपको देखकर अभी भी मुझे लग रहा है कि बात जरूर कुछ और है। भाई जो भी आप मुझे बता दीजिए, छुपाइए मत मुझसे, बताइए। माँ माता जी ये कैसे धर्म संकट में फंस गई? आप ये सब टप्पू को पूछिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बता भैया टप्पू, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं बतानी चाहिए? वो पोपट अंकल दरअसल बात है कि मैंने बराबर सुना नहीं, अब दादाजी से पूछिए ना। दादाजी मैं क्लब हाउस आ रहा हूँ खेलने। सुन सुन चाचा जी, अब आपको तो बताना ही पड़ेगा। मैं ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं बतानी? देख पोपट, सच कहूँ तो यहाँ तेरे रिश्ते की बात चल रही है। क्या मेरे रिश्ते की बात चल रही है? नहीं मतलब ये मेरे दोस्त हैं विश्वजीत। नमस्ते। तो मैं इनसे कह रहा था कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा लड़का है पोपट लाल, तो उसके लिए कोई रिश्ता हो तो हमें बताना है ना। हाँ हाँ आप चंपक चाचा के दोस्त होने के नाते मेरे भी चाचा हुए पायला गो चाचा। लेकिन चाचा जी इसमें नहीं बताने वाली कौन सी बात? नहीं वो बाद में तू फिर इन्हें रिश्ता ढूंढने के लिए परेशान कर देता ना। ओ अच्छा अब ये बात मुझे हजम हुई। नहीं 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 मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करता, लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल। अगर आपकी नजर में मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की हो तो जरूर बताइएगा। पोपट लाल जी का सही कैरेक्टर जानने का यही मौका है। चाचा जी वो रिश्ता? हाँ हाँ अरे भगवान ने चाहा तो आपका रिश्ता जरूर होगा। कर भला हो भला। चाचा जी भला करना चाहिए, लेकिन भला करने से भला ही होता है ये जरूरी नहीं है। मतलब ये है कि मैं बचपन से आज तक लोगों का भला करते आया हूँ, लेकिन मेरा भला नहीं हुआ, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। देखो बेटा हमारा काम है भला करना, बाकी जो भाग्य में होता है वो मिलता है, जो भाग्य में नहीं होता वो नहीं मिलता। माफ कीजिए चाचा जी, आप तो मुझे डरा रहे हैं। आपके हिसाब से अगर मेरे भाग्य में शादी नहीं लिखी है तो जिंदगी भर मेरी शादी नहीं होगी। मैंने कहा ना भाग्य में जो होता है वही मिलता है। कमाल है, एक तरफ आप कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि कर भला तो हो भला। ये तो आप दो तरफा बात कर रहे हैं, कोई भी एक बात कीजिए। ये डिब्बा डिब्बा ही रहेगा, ये पोपट के लिए अपनी बेटी का रिश्ता सोच रहे हैं, और ये है कि ओहो माता जी ये पोपट भाई क्या कर रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए कि लड़की के पिताजी से ना उलझे। अरे नहीं नहीं पोपट लाल जी, मैं दो तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी सोच गलत है। आपकी शादी नहीं होगी तो आप भलाई नहीं करेंगे? मान लीजिए पूरे जीवन भर आपकी शादी हुई नहीं तो आप भलाई करनी छोड़ देंगे? लो विश्वजीत काका ने तो पोपट भाई की दुखती रग पर ही हाथ रख दिया, अब क्या होगा? क्या क्या कहा आपने? जीवन भर मेरी शादी दो? चाचा जी ये
ये आपके दोस्त है कि मेरे दुश्मन? मेरे लिए कैसे अशुभ अशुभ बातें सोच रहे हैं? अरे पोपटलाल जी, मैंने सिर्फ मानने के लिए कहा। हाँ। पर क्यों मानूं मैं ऐसा? पर आप क्यों चाहते हैं कि जीवन भर मेरी शादी ना हो? आप चाचा जी के दोस्त हैं और बुजुर्ग है, इसलिए मैं चुप। दया भाभी, आप तो जानती है ना शादी को लेकर मेरी मनोव्यथा, और ये कह रहे कि जीवन भर मेरी शादी नहीं हो। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? चाचा जी, अगर लूटना ही है तो किसी के पैसे धन दौलत सब लूट लो, लेकिन सपने मत लूटो, पाप लगता है पाप। अरे बाप रे, ये डिब्बा तो अपनी नाव डुबाने पे तुला हुआ है। अरे पोपटलाल जी, माफ करना, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। आपके भाग्य में शादी जरूर लिखी होगी और आपकी शादी जरूर हो। हाँ, हो जाएगी। अरे इतनी चिंता क्यों करता है, तेरी शादी जरूर होगी। अरे बिल्कुल होगी, मैंने अलग अलग ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखाई है और सबने कहा है कि मेरी शादी जरूर होगी। मैं कुंडली कैसे गलत हो सकती है? नहीं नहीं, गलत नहीं हो सकती, तेरी शादी जरूर होगी। हाँ, कुंडली बिल्कुल गलत नहीं हो सकती, शादी होगी आपकी। पुपुर पे, आप चाय पीजिए ना। हाँ ले, चाय पी, चाय पी, चाय पी। चाचा जी, वो गुस्से में मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। क्या है ना, गुस्से में इंसान की समझदारी कमजोर हो जाती है। पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कह दिया, सॉरी सॉरी चाचा जी। अरे नहीं 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 पोपटलाल जी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार। चलिए अब आपसे विदा लेता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मुझे भी। चाचा जी, वो आप मेरे लिए लड़की ढूंढेंगे ना? कोशिश करूंगा, कर भला तो हो भला। आइए, मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, चलिए मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, घर आया मेहमान तो भगवान समान होता है, कोई बात नहीं। आइए चाचा जी, आइए आइए आइए, संभल के चलना। ओके देवा भी, आइए। आजकल गर्मी कितनी बढ़ गई ना यहाँ पे। हाँ। देखो ना कोमल भाभी, गोली को खास कहना कि लिक्विड डाइट खाए, नारियल पानी, नींबू पानी, पानी ज्यादा पिए। हाँ, हाँ, श्योर, थैंक यू। और बहनो कैसी हो? अच्छी, आप कैसे हो कोमल भाई? अरे फर्स्ट क्लास। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी, आपके घर मेहमान आए हैं। हाँ, आप कुछ बताना मैं। आइए ना, चाय नाश्ता कीजिए। अरे कोमल भाभी, आप यहाँ आइए ना मेरे घर। मैं भी यहीं पे रहती हूँ, आप आइए चलिए घर पे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल हमारी ये गोकुल नाम सोसाइटी है ना, वो बिल्कुल एक परिवार जैसी है। सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और किसी एक के घर पे मेहमान आए ना तो वो पूरी सोसाइटी के लिए मेहमान हो जाते हैं। हाँ। वो तो दिखाई दे रहा है। चलिए मैं चलता हूँ, चाचा जी फिर मिलता हूँ। ओके ओके, बाय बाय बाय। चलिए मैं भी चलता हूँ जी। अच्छा आप जाएंगे कैसे? आप एक मिनट यहाँ रुके, मैं आपके लिए बाहर से रिक्शा मंगवा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, गाड़ी है बाहर। चलो मैं वहां तक छोड़ देता हूँ। अच्छा नमस्ते। अच्छा विश्वनाथ जी, वो पोपट की बात का बुरा मत मानिएगा, उसका गुस्सा एकदम सोडा की बॉटल जैसा है, वो फटक से गुस्सा हो जाता है फिर फटक से शांत भी हो जाता है, मन में कुछ नहीं रखता, वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है। नहीं कोई बात नहीं, मैं सोच कर आपको फोन करूंगा फिर। जी चलिए, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चला जाऊं। जी कोई बात। वैसे बबीता जी, दया भाभी के घर मेहमान आए हैं और उन्होंने हमें बताया भी नहीं। हाँ, और साथ में पोपटलाल भाभी थे, जरूर कुछ खास बात होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, है ना? चलो हम लोग दया भाभी को जाके पूछते हैं। हाँ? हाँ, 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 चलो मंडल हमारे घर जा रही है, थोड़ी देर बाद घर जाता हूँ, तब तक क्लब हाउस में टप्पू सेना के पास जाता हूँ। पोपट भाई, आपने अपनी नाव में छेद कर दिया है, आपको पता ही नहीं है कि आप लड़की के पिताजी से उलझ गए हैं। अजीत काका ने भले सबके सामने पोपट भाई को माफ कर दिया, मन से भी माफ कर दिया हो तो अच्छा है। अरे अंजलि भाभी, बबीता जी, कोमल भाभी, आइए आइए, आप लोग बैठिए ना। बैठेंगे बाद में, पहले ये बताइए कि अपने घर कोई मेहमान आया था क्या? हाँ, पोपटलाल भाई भी साथ में थे, कुछ खास है क्या?
नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। एक तरफ विश्वजीत काका को दिया हुआ भरोसा है और दूसरी तरफ मेरी ये सहेलियां हैं। बात कैसे छुपाऊं? क्या हुआ दया भाभी, क्या सोच रही है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, वी अंडरस्टैंड कि जेठा जी यहाँ पे नहीं है और आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए ना, प्लीज हमें बताइए। हाँ हाँ, दया भाभी कोई भी काम हो तो बताइएगा। हाँ, वो मेहमान कौन थे? सॉरी, मैं नहीं बता सकती। आपको किसी ने बताने से मना किया है क्या? लगता है कुछ सीरियस बात है। ये तो बताइए कि वो जो आए थे वो कौन थे? वो विश्वजीत काका थे, रिक्शा लेकर आए थे। रिश्ता लेकर आए थे अपनी बेटी का। रिश्ता लेके आपके घर पे आए थे? अच्छा, किसके लिए? मैं नहीं बता सकती बबीता जी। कमाल दया भाभी, हम सब एक परिवार जैसे तो हैं। आज तक हमने एक दूसरे से कोई भी बात छुपाई है नहीं ना? तो बताइए ना, बताइए ना। मैं नहीं बता सकती। अच्छा, तो आप ये तो बता सकती है ना कि रिश्ता किसके लिए आया था? तो बताइए, ये रिश्ता टप्पू के लिए आया था? सुंदर भाई के लिए? तो जेठा भाई के लिए तो आ ही नहीं सकता, इसीलिए पूछ रही हूँ। बोलो ना दया भाभी, प्लीज। पोपटलाल भाई के लिए? माय गॉड, भाभी बबीता जी, भी आप लोगों को पता चली गया है तो ये बात प्लीज प्लीज अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना। ऑफ कोर्स, मैंने वो लड़की के पिताजी विश्वजीत काका को मैंने कहा है कि ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, और पोपट भाई को तो पता ही नहीं है कि ये रिश्ता उनके लिए आया है। अगर उनको पता चलेगा ना तो वो नाराज हो जाएंगे और मुझे कहेंगे, दया भाभी आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। दया भाभी आप बेफिक्र रहिए, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। पर दया भाभी, हुआ क्या ये तो बताइए। अरे आप ऐसा समझिए कि दूल्हे राजा ने अपने ही लग्न मंडप में आग लगा दी। क्या मतलब? पोपट भाई लड़की के पिताजी के साथ ही लड़ने लग गए। हे भगवान, क्या हुआ यू? इसे कहते हैं कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। अब तो माता जी करे विश्वजीत काका पोपट भाई की बात का बुरा ना लगाए और खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कह दे। अरे भाई, अब तो बज क्यों नहीं बज रहा, पूरा दिन निकल गया। एक मिनट, इश्तियार में कोई गलती तो नहीं हुई है? कन्या चाहिए, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, इंटरनेशनल पोपटलाल, सोना गारंटी, इश्तियार तो फर्स्ट क्लास है, कोई गलती नहीं। फिर अभी तक किसी लड़की का रिश्ता क्यों नहीं आया? कमाल, आज वो चंपक चाचा के दोस्त के साथ भी बेकार में उलझ गया, वो भी बेचारे मेरे लिए लड़की ढूंढने वाले। ओ, सोडा शॉप जाता हूँ, दोस्तों से मिलके मन थोड़ा हल्का हो जाए। अरे अरे यार, होगी यार। पोपट अंकल, पोपट अंकल, चलिए चलिए पोपट अंकल, अब हमारे साथ खेलिए पोपट अंकल, चलिए चलिए ना। अरे खेलो ना। अरे चलो पोपट अंकल, अरे पोपट अंकल, सोना सबने बंदे हैं ना, हमारे साथ खेलिए, गोगी बराबर नहीं खेलना ऐसे में। अरे कब के हम लोग कंटाल गए, खेलिए पोपट अंकल, आप सर्विस लीजिए, कम ऑन। पोपटलाल भाई हमेशा बच्चों का मन रख लेते हैं, वेरी स्वीट ऑफ हिम। हां खरे खर पर पोपट भाई का स्वभाव एकदम हसमुखा है, पर कभी कभी अचानक पता नहीं गुस्सा क्यों हो जाते हैं। हमका विश्वजीत काका के साथ झगड़ा मोल लिया। चलिए, वेल लेट्स होप एंड प्रे कि पोपट भाई के साथ सब कुछ अच्छा हो। हाँ, मेरे दिमाग में तो कब से एक ही बात बार बार घूम रही है। कौन सी बात दया भाभी? वही कि जब पोपट भाई को पता चलेगा कि विश्वजीत काका उनके लिए ही रिश्ता लेकर आए थे,
तब क्या होगा?